Doesn't even make sense what I think about you. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी एमी को स्कूल में छोड़ कर आ रहा हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मतलब इस टाइम जो टेम्परेचर है इस टाइम 8 डिग्री सेल्सियस है, दो इट्स अ बिट सनी एज वेल, बट फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एमी को तो चलो मैं जैकेट पहना कर गया था, मैंने सोचा कि चल स्वेट शर्ट पहनी हुई है काम चल जाएगा, बट बाहर जाके सही में कुकड़ी जमगी। चलो 9:15 हो गए हैं, 10 o'clock मुझे निकलना भी है, अभी बहुत सारे काम हैं, नहाना धोना है, अपने लिए लंच पैक करना है, तो मिलते हैं आपसे फिर बाद में। हैव अ गुड डे। It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle of this. 'Cause now I dream about. आज ना मैं घर से काम कर रही थी, और घर से काम करने के कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं। प्रोज तो आप सबको पता ही है कि यार जितने बजे आपकी मीटिंग शुरू होती है उतने बजे उठकर आप लैपटॉप ऑन कर सकते हो। वैसे मेरी हमेशा सुबह 9 बजे की एक मीटिंग होती है, 9 बजे तो मेरा लैपटॉप ओपन हो ही जाता है। फिर आपको रेडी नहीं होना पड़ता है, आप पजामा में और अपने घर की टी शर्ट में पूरा दिन ऑफिस का काम कर सकते हो, और जब मन करे ब्रेक ले लो, छोटी सी वॉक पे चले जाओ। और अब तो मैंने इंडोर गार्डन बना लिया अपने घर में, जो आपको बहुत पसंद आया है, थैंक यू सो मच। बड़े सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट किया है, और कई लोगों ने बोला कि वो भी अपने घर में सेम गार्डन बनाएंगे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे पिक्स जरूर भेजना। अगर अपने घर में इंडोर गार्डन बना रहे हो तो मुझे पिक्स जरूर भेजना, हो सकता है मुझे भी कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज मिल जाए आपसे। तो अब जब मैं घर से काम कर रही हूँ तो मेरा एक काम और ऐड हो गया है। मुझे वो सारे प्लांट्स, जब अच्छी धूप आई हुई होती है ना, वैसे अब तो धूप कम हो जाएगी आनी यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे हम विंटर्स में जा रहे हैं कोई कोई दिन हुआ करेगा जो सनी हुआ करेगा। बट मैंने ये सोचा है क्योंकि पिछली वीडियो में कमेंट भी आया हुआ है कि ये इंडोर प्लांट्स अगर बिल्कुल शेड में रहेंगे तो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। तो नहीं, मुझे पता है मेरा ये प्लान है कि जिस भी दिन मैं घर से काम कर रही होती हूँ, मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन तो पक्का ही घर से काम कर रही होती हूँ, उन दिनों पे मैं सारे के सारे प्लांट्स उठाकर, वो जो मेरी किचन की विंडो सेल है या फिर वो जो बाहर हमारा बैकयार्ड वाला डोर है उस पर बहुत अच्छी धूप आती है, वहाँ सारे लगा दूंगी, ताकि उनको भी हफ्ते में 3-4 दिन, और वीकेंड्स पे भी यही करूंगी, तो हफ्ते में 4 दिन तो पक्का उनको सन मिलता रहेगा 5-6 घंटे का, तो वो अच्छे से सर्वाइव करेंगे। एमी, हाउ वाज योर स्कूल? मुझे पता है तो क्या करने वाली है इसका, मुझे पता है। इसको डैंडेलियन बोलते हैं? No. क्या बोलते हैं इसको? I don't know. Pollen flower? Pollen flower? Okay. हाँ, डैंडेलियन तो येलो होता है ना एमी? हाँ जी। Okay, अब घर चले, जब तक ये खाली नहीं होगा ये घर कैसे जाएगी, है ना? ये सारे बच्चों का फेवरेट काम होता है ना। यार मैं जब से वो द डैशिंग फैमिली से मिलकर आई हूँ ना, मुझे तो गुस्सा आने लग गया है मेरी नेबरहुड में वॉक करते हुए। अभी तक किसी ने हेलोवीन की डेकोरेशन नहीं करी है, आपको पता ना इस साल। चलो हम तो बहुत ज्यादा नहीं करे, वैसे हमारे पास बहुत सारी हेलोवीन की डेकोरेशन पड़ी हुई है, तो एमी बड़ा जिद करी है कि उसको भी घर डेकोरेट करना है हेलोवीन से, बट हमारे नेबरहुड में सारे यार प्लेन प्लेन है, किसी ने भी नहीं करी। थैंक्सगिविंग की डेकोरेशन मैं आपको दिखा नहीं पाई यार, पता नहीं क्या सोच रही थी मैं, मैंने क्यों इतना नहीं दिखाया। थैंक्सगिविंग तो खत्म हो गया, अभी पिछला वीकेंड ही थैंक्सगिविंग था, बताया था ना आपको, तो लोगों के पंपकिंस जो है वो पंपकिन पाई में बदल गए और उनके स्टमक में चले गए। हमें पंपकिन पाई बनानी नहीं आती है, तो हमने तो अभी भी रखे हुए हैं यार अपने पंपकिन घर के बाहर, मगर यार हेलोवीन की डेकोरेशन अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। मुझे काफी लोगों ने बोला कि शिल्पा अपने नेबरहुड में हेलोवीन की डेकोरेशन दिखाओ, हेलोवीन वाला दिन ही दिखाऊंगी यार। मेरे घर पे करवा चौथ की पार्टी है और मैंने ड्रेस कोड रखा है बी द ब्राइड यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी, बट इट्स हेलोवीन टू, तो वो भी देखने वाला होगा कि लोग कैसे तैयार होकर आएंगे हेलोवीन पे। लेकिन 7:30 तक पार्टी खत्म करके ना हम लोग ट्रिक और ट्रीट के लिए तो डेफिनेटली जाएंगे ही जाएंगे, हेलोवीन तो मनाना ही है यार, जैसे करवा चौथ मना रहे हैं वैसे हेलोवीन भी मना रहे हैं। हमारे घर का हेलोवीन डेकोरेशन कब शुरू होगी? ये स्केरी ट्री है, मेरे को लग रहा है ये हेलोवीन डेकोरेशन है, ये स्केरी ट्री, ये हेलोवीन डेकोरेशन लग रही है आपको? हां जी, और ये भी स्केरी ट्री लग रहा है। ये भी स्केरी ट्री लग रहा है? ओके, हाँ डार्क स्पूकी हेलोवीन है ना। चलो आज हम देख कर आते हैं, वॉक करने चलते हैं, देखते हैं हमारे नेबरहुड में किसी ने हेलोवीन डेकोरेशन की है कि नहीं की। ठीक है, एक नहीं करी है? नहीं, वो तो थैंक्सगिविंग की डेकोरेशन है। लो जी, एमी स्कूल से निकल कर आई है, उसको इतनी ठंड लग रही है कि अब जैकेट पहन रही है। वो टाइम आ गया जब आप जैकेट के बिना बाहर इवनिंग में निकलना इमेजिन नहीं कर सकते, है ना एमी? इज इट कोल्ड? कितना कोल्ड है? या चलो आओ चले। मामा, आप हम भी थोड़ा सा हेलोवीन डेकोरेशन कर सकते हैं? बट बाबू उस दिन करवा चौथ भी है। अच्छा, वी विल डू थोड़ा सा फॉर यू, ओके? आज ही कर दे थोड़ा सा। व्हाई ओनली थोड़ा सा? बट वी
करूंगी। एमी ऐसा तो हेलोवीन डेकोरेशन हमने भी करी हुई है। ये देखो ये भी हेलोवीन का है, ये इस माता रानी को लगा दिया यहाँ पर, इससे भी डर ही लग जाएगा अच्छा खासा रात को कोई आएगा तो। ये हमको डराता नहीं है। तो डर जाए इससे, नहीं यार डर जाए बंदा इससे, बस इसकी आंखों में लाइट जल जाए थोड़ी सी। बाकी गाइस थोड़ी बहुत डेकोरेशन हमें हेलोवीन की करनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे अभी याद आया कि अगर आपका घर हेलोवीन के लिए डेकोरेट नहीं होता है ना, थोड़ा बहुत भी आ रहे हो फीलिंग नहीं दे रहे होते, तो लोग आपके घर पे ट्रिक और ट्रीट के लिए भी नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है हेलोवीन सेलिब्रेट ही नहीं करते हो तो आपने कैंडीज भी नहीं रखी होंगी। बट कैंडीज तो हम लोग हमेशा यहाँ रखते ही हैं और बहुत सही रखते हैं, तो बच्चों को बताने के लिए कि हमारे घर पे ट्रिक और ट्रीट हो रहा है, आप लोग कैंडीज के लिए आ सकते हो, हमें दो चार कंकाल भूत तो लगाने ही पड़ेंगे यार। तो फिर अगर लगाने ही है तो फिर लेट क्यों करना, अभी आज ही लगा देते हैं, है ना, एमी भी खुश हो जाएगी। ये देखो ये मेरा बाहर का पूरा गार्डन यहाँ पर फिट हुआ हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर इनको रखकर, मेरा प्लान है कि इनको यहाँ पे हर दो तीन दिन में रखकर 4-5 घंटे धूप दिलवाऊंगी, यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ जाती है। लास्ट लॉन्ग वीकेंड पे एक और काम किया हमने, अपनी जैकेट्स स्वेटर्स ये सारी निकाल कर अपनी क्लोजेट्स में सेट करी है। एमी के जो ये बॉक्सेस लेकर आए थे ना हम लोग आईकेयर से, तो ये इसमें हमने थोड़ा बहुत समर के कपड़े डाल दिए कि मतलब कई बार रात को सोते हुए टी शर्ट्स चाहिए होती है या मौसम अचानक से अच्छा होता है, तो कुछ अच्छी टी शर्ट्स यहाँ पर भी रखी हुई है, बट मोस्टली एमी के जैकेट्स और विंटर क्लोथ सब निकल गए, बिकॉज सुबह स्कूल जाते हुए यही चाहिए होती है अब। और ये रूम तो पूरा रेडी हो ही गया, आपको दिखाया ही था, लेकिन आपने हमारा नया बेड नहीं देखा है, वो हमने थर्ड डे पर बनाया था जब हमारी तीसरी छुट्टी थी, तीसरी छुट्टी के वीडियो। तीसरी छुट्टी पर तो लेकर जाऊंगी आपको, अभी तक पिछले लॉन्ग वीकेंड का थर्ड डे आपको नहीं दिखाया था कि हमने वहां पर क्या क्या किया। वैसे आपको बता दूं हमने टारगेट पूरे कर लिए थे, गैराज की क्लीनिंग आपने देख ली थी, पूरे घर की क्लीनिंग मैंने ऊपर कर दी थी, चारों बेडरूम्स मेरे पूरे सेट हैं, दोनों रूम्स में नए बेड बन चुके हैं, क्लोजेट सेट हो चुकी है, वो देख कर आना। लेकिन उससे पहले जो एमी सुपर एक्साइटेड हो रही है वो ये है कि आज एमी को लाइफ में पहली बार फर्स्ट विगलिंग टूथ मिला है ना यार। एमी ना 7 साल की होने वाली है, जनवरी में 7 साल की हो जाएगी। और एमी ने अभी पिछले हफ्ते अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड करी, वो फ्रेंड 5 ईयर्स का हुआ है और उसके 2-3 दांत टूट चुके हैं और 1-2 विगल कर रहे हैं, एमी सुपर फैटेड है। मम्मा मेरा तो अभी तक एक भी दांत विगल नहीं किया, मैं कहा हो सके तेरे दांत कभी टूटे ही ना, एमी यही रहे। और 2 घंटे के बाद मुझे पता चला कि एमी का फर्स्ट टूथ विगल कर रहे हैं। I know, but he still have more teeth. Yeah, he still have more wiggling tooth and more broken tooth, like more wiggling teeth and more broken teeth, like more wiggling teeth and more broken teeth than you, है ना? बट इट्स ओके, यू आर स्ट्रॉन्गर थी। तो गाइस अब आप जाओ हमारी लास्ट छुट्टी पे, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और आपको मैं किस्सा सुनाती हूँ हमारे बेड का। गाइस अगर आपको लग रहा था कि भाई गैराज साफ करके हमारा दिन खत्म हो गया, काम हो गया, तो नहीं जी, हमने ये बेड बना लिया है। ये बेड है जो हम लोग अपने ब्रैम्पटन वाले घर से लेकर आए थे और इसका मैट्रेस हमने नया ऑर्डर किया था, क्योंकि वहां का मैट्रेस हमने फेंक दिया था जो इस बेड पे पहले था। अब ये मैट्रेस खोल रहे हैं, इस रूम को भी आज पूरा सेट करके ही सोना हमने, और साथ में ये एमी की अलमीरा थोड़ी मैनेज करनी है, बिकॉज इसके लिए नया एक ड्रेसर और लेकर आए हैं हम लोग। लोग कहेंगे हाँ भाई सारा काम तो अमित ही करता है, शिल्पा तो फोन के पीछे रहती है। ये ऐसे ये क्या बने हुए हैं इतने सारे सर्कल सर्कल से? हाइब्रिड है ये, इसमें स्क्रीन प्लस मेमोरी फॉर्म दोनों है। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सारे काम मैं अकेले करता हूँ, शिल्पा भी करती है, मुझे कैंजीस नहीं पकड़ाई है। जैसे एक बलून फूलता है ना वैसे फूल रहा है ये। गाइस हमने ना काम को एक्चुअली में अंडर एस्टिमेट कर लिया था, हमें लगा था सैटरडे को हम लोग आईकिया की शॉपिंग कर लेंगे, दिनेश मान से ही घर चले भी जाएंगे, संडे को हम पूरे घर की क्लीनिंग कर लेंगे, गैराज भी साफ कर लेंगे, 2 बेड भी असेंबल कर लेंगे और मंडे को कहीं घूमने भी चले जाएंगे। संडे नहीं तो मंडे मॉर्निंग ही हो गई है, 2:45 बज रहे हैं और अब हम लोग अपने रूम का बेड असेंबल करने लगे हैं। मैंने अमित को बोला भी है कि हम लोग कल सुबह कर लेते हैं, बट अमित कह रहे हैं कि अगर कल सुबह के लिए बेड छोड़ दिया ना तो फिर क्लीनिंग रह जाएगी,
कल का पूरा दिन हमें क्लीनिंग करनी करनी है, तो बेड तो आज असेंबल करके ही सोएंगे। तो वो वाला रूम रेडी कर दिया है, जो थर्ड रूम था जो उस घर के बेड वाला, आपको दिखाया भी है। अब हमारे रूम का नया बेड जो आया, नया वेफर से डिलीवर हुआ है, उस बेड की असेंबली चल रही है। कलर बहुत प्यारा लग रहा है यार मुझे बेड का, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो डार्क ग्रीन कलर है, कलर बहुत प्यारा है बेड का। ये देखो डार्क ग्रीन कलर का बेड है और वेलवेट है। तो फिर जब पूरा बन जाता है फिर आपको दिखाते हैं हम लोग। आज बनाकर ही सोएंगे, चाहे सुबह के 4 बज जाए चाहे 5 बज जाए, फिर कल का पूरा दिन वैसे भी क्लीनिंग में ही जाना है। 4 बज गए हैं सुबह के भाई, नहीं हो रहा अब अमित, नहीं गाइस वैसे बेड देख लो हमारा फाइनल स्टेजेस पे है। अब फ्लैट्स लगानी है और उसके ऊपर मैट्रेस फेंकना है, फिर रेडी हो जाएगा और हमें सोने को मिलेगा। अमित ने कसम खा रखी कि पूरा बनाने के बाद ही सोएंगे। चलो भाई सोने का टाइम हो गया, लोगों का उठने का टाइम हो गया, 4:45 बज रही है भाई। अभी भी सोचो ये उम्मीद है अमित को मुझसे कि पूरा दिन काम करने के बाद सुबह 4:45 बजे सोने के बाद अभी मैं 2-4 घंटे सोकर फिर घर की सफाइयों में लगकर पूरे घर की सफाई भी करूंगी। चलो कोई बात नहीं, सुबह आराम से उठना, आराम से उठना, सुबह आराम से उठना, अब मैं दोपहर को शाम आराम से उठूंगी। गाइस इससे पहले कंफर्टर लगाएं, आपको बेड का लुक दिखा देते हैं पूरा। ये देखो दिस इज द बेड। वैसे हमारे साथ ना पोपट बने, हमने बेड ऑर्डर किया था कैलिफोर्निया किंग। कैलिफोर्निया किंग मेनली यूएस में चलता है और हमारे पास कैलिफोर्निया किंग का बहुत ही अच्छा मैट्रेस पड़ा हुआ था, बहुत अच्छा मैट्रेस। तो हमने कहा वो मैट्रेस यूज करेंगे हम लोग, तो इसलिए हमने कैलिफोर्निया किंग ऑर्डर किया था और बेड आया है किंग साइज। हमें ना हमारा ये जो करंट बेड है ये बहुत ही ऊंचा है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। हमें इस मतलब वी वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ इट, तो हमें ना मार्केट प्लेस पे फ्री में लगाया हमारा बेड और ये मैट्रेस, और लोग ना पूछ रहे, तो हमने कहा भाई हम उसी को बेड देंगे जो हमारा मैट्रेस लेकर जाएगा। तो कल 2-4 लोग आ रहे हैं जिन्होंने हाँ कर दी, भाई ऐसे 2-4 लोग हाँ कर दे, सारे आते नहीं है। जो एक यू हॉल वाला ट्रक लेकर आ रहे हैं बेड ले जाने के लिए, और 2-4 चीजें और भी मैंने फ्री में लगा रखी है, बिकॉज अब घर की क्लीनिंग चल रही है तो बहुत सारी चीजें जो नहीं चाहिए, ब्लाइंड्स लग गए हैं तो कर्टेन रोड्स, ये सारा फ्री में मैंने मार्केट प्लेस पे लगाया हुआ है। तो कल लोग आ रहे हैं ये सोच कर कि वो बेड लेकर जा रहे हैं, और मैट्रेस किसी को नहीं चाहिए था बिकॉज लोग मोस्टली यार पुराना मैट्रेस यूज नहीं करते, बट अपने धक्के से अगर बेड चाहिए तुम्हें तो मैट्रेस लेकर जाना पड़ेगा, हम दे रहे हैं। अब हमारा बेड आ गया किंग बेड, हमें यही वाला मैट्रेस फिर भी चाहिए क्योंकि कैलिफोर्निया किंग तो उसके ऊपर फिट नहीं आ रहा। तो मैं सुबह उठकर उन सारे लोगों को बोलूंगी कि नहीं भाई बेड ही चाहिए तो आना, मैट्रेस तो हम नहीं दे रहे। अभी वीकेंड खत्म नहीं हुआ है, लॉन्ग वीकेंड, आज 3rd दिन है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हमारे 3 दिन कभी मतलब 3 दिन वीकेंड के ऐसे सवाइयां करने में जाएंगे। वैसे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, पहले दिन तो हम लोग आईकिया भी गए थे और दिनेश मानसी के घर भी गए थे, मगर भाई साहब अभी आज 3rd दिन में सवाइयां चल रही है क्योंकि मेरे डेट फॉर ऑलरेडी पक्के नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे। तीनों रूम ऊपर के बाकी वाले और वॉशरूम पूरा का पूरा चकाचक चमका दिया है मैंने, सारी चीजें डी क्लटर कर दी है, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है, 3 कमरों में बेड भी अच्छे से लग चुका है। हमारे पास जो एक्स्ट्रा मैट्रेस बच गया था बिकॉज बेड गलत आ गया था वो एमी के रूम में सेट कर दिया है। अब सिर्फ मेरा वॉशरूम रहेगा, ये वाला क्लीन करना जो मैं कर ही रही हूँ, और डीप क्लीनिंग हो रही है। देखो ग्लासेस साफ हो रहे हैं, ये देखो कितना बढ़िया से चमका दिया ना मैंने। अब फिर हमारा बेडरूम साफ करना रह गया, और नीचे का तो वैसे ही सेट रहता है, नीचे की तो मतलब क्लीनिंग रेगुलरली चलती रहती है, every 2 days ही चलती रहती है, तो नीचे इतना कुछ करने का है नहीं। फिर मैं भी अब इसे डेट फॉर ऑल लेकर आऊंगी, बट मुझे लगता है ये जरूरी था, हर 5-6 महीने के बाद ना ऐसा एक वीकेंड होना चाहिए जब आप सिर्फ अपने घर को दे रहे हो यार डीप क्लीनिंग कर रहे हो। Hey guys, welcome back to the channel. कैसे हम सब लोग, पता चल ही गया आपको कि मैं अपने ऑफिस में खड़ी हूँ, ऑफिस के वॉशरूम में। इनफैक्ट आज मैं स्वेटर पहन कर आई हूँ। Yes, आज सीजन का वो पहला दिन आया है जब मैंने स्वेटर पहनी है या फिर स्वेटर पहनकर ऑफिस आई हूँ। आज सुबह जब उठी तो ये पता चल गया था कि भाई नॉर्मल टॉप्स पहनने का और ड्रेसेस पहनने का मौसम चला गया है, अब ये सारी की सारी स्वेटर्स निकालो। सिर्फ स्वेटर्स नहीं, ओवरकोट तक पहन कर आई हूँ भाई, ओवरकोट के बिना आज काम चलना नहीं था। तो मुझे लगा यार ये वाला दिन तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि भैया चलो जी ऑफिशियली विंटर्स तो नहीं बोलूंगी यार, बट हाँ मौसम चेंज हो गया है। गाइस अभी ऑफिस आई हूँ, खाना बना रही थी मैं और गुडोरी से बात कर रही थी साथ में, तो उनसे बात मेरी जब भी होती है ना 1-1.5 घंटा चलती है, तो 1-1.5 घंटा बात करी होगी, तो 1-1.5 घंटा मैंने इंस्टाग्राम चेक नहीं किया।
अब जब उनसे बात खत्म करने के बाद मैंने इंस्टाग्राम चेक किया तो मुझे इतने सारे मैसेजेस आए हुए, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, मैंने तो कोई लेटेस्ट स्टोरी भी अपडेट नहीं करी है। तो सभी लोगों ने एक ही बात बोल रखी, एक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भेजा हुआ और बोला हुआ कि इफ दिस योर प्रोफाइल, 169 फॉलोअर्स लेकर कोई चिटचिट विद शिल्पा अकाउंट बनाया हुआ है और मेरी वाली सारी पोस्ट कॉपी करके वो लगा रखी है। तो किसी ने आज इंस्टाग्राम पे मेरा फेक प्रोफाइल बना दिया है, तो मैंने अब स्टोरी डाली है वहां पे कि प्लीज ये फेक प्रोफाइल है, इसको फॉलो मत करो, इसको रिपोर्ट करो। और सोचो उस बंदे ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, मतलब चिटचिट विद शिल्पा, फेक चिटचिट विद शिल्पा को भी ब्लॉक किया हुआ है। तो मैं तो उस अकाउंट को देख भी नहीं सकती हूँ, रिपोर्ट भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक मेरे सारे चिटचिटर्स इंस्टाग्राम वाले मिलकर उस प्रोफाइल को बंद करा ही देंगे। बट अगर बंद नहीं हुई और आप चेक करो आपको अभी भी दिख रही है, तो यार आप भी हेल्प करा दो यार मेरी वो अकाउंट बंद कराने में। गाइस ठंड ऐसे ही होती है जब बारिश शुरू हो जाती है, इस वीकेंड से बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद ही मौसम ठंडा हुआ है कि ये देखो मैंने कहा था ना कोट वोट डालना शुरू हो गया है। तो अभी हम लोग आए हैं विभूति अविनाश के घर पे, उन्होंने बनाया आज गोल गप्पे। और जब आपके फ्रेंड्स आपके घर के ऐसे 10-12 मिनट की ड्राइव पे रहते होते ना, तो ये फायदा होता है कि वो घर पे गोल गप्पे बनाते हैं, वो कॉल करते हैं और आप तो हाँ बस गाड़ी उठा कर आ रहे हैं। तो पहुंच गए हम लोग गोल गप्पे खाने के लिए इनके घर पे। गाइस हम लोगों ने जैसे ही एंटर किया ना, टेबल पे गोलगप्पे सजे हुए मिले थे और फिर हम लोग भूल गए कि हमने वीडियो भी कुछ रिकॉर्ड करी थी। हमने गोलगप्पों में हम लोग टूट पड़े बुरी तरह से। तो अभी जो बचा हुआ है ना वो दिखा रहे थे कि ये पूरे पैकेट में से हमने ये गोलगप्पे बचाए हैं, ये पानी के ड्रम में से हमने ये पानी बचाया है, ये भी है और ये बहुत सारा बचा हुआ है अगर गोलगप्पे खाने हैं तो। गोलगप्पा पार्टी तो हमने यार अकेले अकेले कर ली है, लेकिन आपको पता ना पार्टी का टाइम आ रहा है, करवा चौथ पार्टी का टाइम आ रहा है, दिवाली पार्टी का टाइम आ रहा है, न्यू ईयर पार्टी का टाइम आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सारे बैठकर ना प्लानिंग कर रहे हैं करवा चौथ की पार्टी कैसे करनी है, दिवाली पार्टी कैसे करनी है, न्यू ईयर पार्टी कैसे करनी है। आप लोगों के भी सजेशन अगर पार्टी के तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ टाइम फॉर बर्थडे शाउट आउट्स, और बर्थडे शॉर्ट आउट से पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। आज ना मेरे एक सब्सक्राइबर है रुपन, उनका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि शिल्पा दीदी प्लीज डेली व्लॉगिंग में वापस आ जाओ, बिकॉज आपको आपकी फैमिली से मैं एक दिन भी मिलती नहीं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। एंड आई लव दैट मैसेज सो मच, क्योंकि कई बार वैसे ऐसे मैसेजेस मुझे आते रहते हैं रैंडमली, कभी यूट्यूब पे आप लोग कमेंट्स करते हो, कभी इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते हैं कि यार वी आर मिसिंग योर डेली व्लॉगिंग। आई सो विश कि मेरे पास सिर्फ व्लॉगिंग एक काम होता और मेरे साथ मेरी जॉब नहीं होती, तो मैं एक दिन में 2 व्लॉग भी बना देती। लेकिन पता है जॉब के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मिस मैं भी आप लोगों को करती हूँ। और जब मैं बिलेटेड बर्थडे शॉर्ट आउट देती हूँ ना, क्योंकि मेरी वीडियोस नहीं आई होती है जब आपके बर्थडे होते हैं, तो मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। जैसे आज मेरे पास 2 बिलेटेड बर्थडे शॉर्ट आउट्स है, 3 बिलेटेड बर्थडे शॉर्ट आउट्स है, और इनफैक्ट 14 अक्टूबर को कुछ बर्थडे थे जो कि आई रियली वॉन्टेड कि मैं टाइम पर दूं, बट मैं नहीं दे पाई। अगर कभी डेली व्लॉगिंग शुरू हो पाई, मैं ट्राई करती हूँ यार, मैं अभी भी ट्राई करूंगी, मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ बट कर नहीं पाती हूँ, बिकॉज इतनी सोशल कमिटमेंट्स है, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना होता है, वीकेंड्स इतने बिजी होते हैं, घर होता है, जॉब होती है, एमी है, एमी की क्लासेस है, वो चेस क्लासेस भी ले रही है, आर्ट क्लासेस भी ले रही है। व्लॉगिंग तो मैं फिर भी कर लूँ, मगर वो एडिटिंग करके उसको अपलोड करना, आपको मैं एक बार बताऊँ, एक तो चलो वीडियो तो चलो थ्रू आउट द डे शूट होता रहता है, नो एफर्ट्स, आप जो भी कर रहे हो आप वही दिखा रहे हो। डेली व्लॉगिंग में हम लोग इतना कुछ प्रिपेयर नहीं करते हैं कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन ही देनी जिसके लिए मैं रिसर्च करनी है और पढ़ना है। लेकिन जब एडिटिंग का काम आता है ना, तो चाहे मेरी एडिटिंग आपको कितनी सिंपल लगे, लेकिन यार कुछ भी कहो, सारी की सारी वीडियोस एक सॉफ्टवेयर में डालकर उनको एडिट करके एक 17-18 मिनट की वीडियो बनाना आउट ऑफ 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 आवर ऑफ कंटेंट, और उसके बाद उसको अपलोड करना, फिर थंबनेल सेलेक्ट करना, थंबनेल बनाना, टाइटल लिखना कि आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से वीडियो क्या है समझ में आया, और फिर आप चूज करो आपने देखनी है कि नहीं देखनी। इट टेक्स मिनिमम ऑफ 4 आवर्स, मतलब मिनिमम ऑफ 4 आवर्स। तो ऑफिस के बाद, घर के बाद, सब करने के बाद ना 4 घंटे में सिर्फ अपनी स्लीप कम करके ही मैनेज कर सकती हूँ, और वो मैंने किया है बहुत लंबे टाइम तक किया है। लेकिन फिर आपको वो मेरे चेहरे पर भी दिखने लग गया, वो हेल्थ पर भी दिखने लग गया। मुझे बड़े सारे लोगों ने ये भी बोला कि शिल्पा अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। देन आई डिसाइडेड कि चलो यार डेली व्लॉगिंग बंद करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि कभी भी मैं वीडियो बनाकर 11 बजे तक एडिट करके पूरा कर पाई ना, विच इज लाइक अ ड्रीम। गाइज आई विल ट्राई टू कम बैक इन डेली व्लॉगिंग, बिकॉज एज मच एज यू आर मिसिंग मी, आई एम मिसिंग यू टू। और अब तो वो फेस्टिव टाइम आ रहा है, इतना कुछ चलने वाला है, इतनी शॉपिंग्स चलने वाली है, करवा चौथ की पार्टी की तैयारियां होने वाली है, फिर दिवाली की तैयारियां होने वाली है, फिर क्रिसमस की तैयारियां होने वाली है, हेलोवीन की तैयारियां होने वाली है, न्यू ईयर की। तो कंटेंट का अब ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर कंटेंट की कमी रहनी नहीं चाहिए, बस एडिटिंग का टाइम निकल जाए। और अब जिसके लिए मैं एक्चुअली मैं गार्डन में आई थी, बर्थडे शॉर्ट आउट्स। तो 11 अक्टूबर को बर्थडे था अभय शर्मा का,
अक्टूबर 14 को बर्थडे था रक्षा जैसानी जी का, जो कि इंडिया से मेरी सब्सक्राइबर है। उनकी जो बेटी है वो यहाँ पर रहती है कनाडा में, और उनकी बेटी मुझे बोलती है कि जब भी मामा यहाँ पर आती है ना, उनको कनाडा के बारे में सब कुछ पता होता है। और उनसे पूछो कैसे पता चला, तो वो बोलती है मैं शिल्पा के व्लॉग्स देखती हूँ। तो अगर आपके पेरेंट्स मेरे व्लॉग्स अब तक नहीं देखते ना, आप कनाडा में और वो इंडिया में है, तो उनको बोलो मेरे व्लॉग्स देखा करें, ताकि उनको ये लगे कि वो भी कनाडा में रहते हैं। और जब वो कनाडा आएंगे ना, आपको लगेगा कि नहीं, वो कनाडा में नहीं रहते थे। इसके अलावा 14 अक्टूबर को ट्विंस का बर्थडे था, जो कि 7 ईयर्स की हुई है, श्रेया एंड सानवी। श्रेया एंड सानवी, लेट मी टेल यू वन थिंग, योर मॉम लव्स यू अ लॉट एंड शी मेड श्योर कि आपका बर्थडे शॉर्ट टाइम पर आए, ओनली इफ मेरा वीडियो कल आता तो। अक्टूबर 15 मतलब आज बर्थडे है फहरिश का, तो आप सबको विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे गाइस मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से। अब मुझसे मिलना अगली वीडियो में, जो शायद कल ही आ जाएगी, शायद। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।